राधा रानी के ननिहाल रावल गांव में लटामार होली का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने होली के साथ बाबा रसिका पागल के भजनों का आनंद लिया। ब्रज में होली का उल्लास बसंत पंचमी से ही शुरू हो गया। इसी श्रृंखला में राधा रानी की ननिहाल रावल में भी ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ राधा रानी के मंदिर में लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी दूर दराज से आए हुए थे। होली की शुरुआत मंदिर परिसर में विराजमान श्री राधा रानी की प्रतिमा के समक्ष संत पंकज बाबा द्वारा आरती कर की गई। इसके बाद वहां पर गुलाल अबीर उड़ाया गया, जिसको देखने के लिए और उस रंग में अपने आप को रंगने के लिए श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ छाई रही। इस बार यहां पर्यटन विभाग द्वारा भी रावल में अपनी ओर से व्यवस्था की गई थी, जहां पर ढोल नगाड़े के साथ साथ बैंड बाजों की धुन पर सभी श्रद्धालु जमकर थिरके। पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार इस व्यवस्था का दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने
जमकर आनंद लिया, जिसमें ब्रज की लोक कला को उकेरा गया और संस्कृति का परिचय देते हुए सभी को अपनी ओर आकर्षित भी किया गया। इस दौरान गांव की महिलाओं ने होली तो खेली ही, साथ ही लठमार होली का भी प्रदर्शन किया गया, जहां प्रेम भरी लाठियां भांजी गईं। इस उत्सव के बीच ब्रज के प्रसिद्ध गायक बाबा रचका द्वारा भी होली के रंग के ऊपर भजन प्रस्तुत किए गए, जिसको देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ छाई रही और सभी ने भजन का जमकर आनंद उठाया।
आज पर्यटन विभाग द्वारा क्या अलग किया गया है? यहाँ पर हमने एक चौराही नृत्य किया है जो बुंदेलखंड से आया था, कलाकार आए हुए। दूसरा रन वाले जो हरियाणा के, उन्होंने भी अपना कलाकारी की है। और यहाँ पर आज के इस पर्व पर इतना आनंद है कि क्या कहें क्या न कहें ये मन में नहीं आ रहा है। और आप रावल में श्री राधे जी का जो प्राकृतिक स्थान है उस पर ये जो होली का अलौकिक आनंद आ रहा है और वो इन्हीं की कृपा से संभव है, हमारे किसी के प्रयास से संभव नहीं है। इसलिए आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ सारे ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासियों के साथ में भगवान का होली का खेल है, उसको मनाने के लिए देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हुए हैं। हम भी इसीलिए आए हुए हैं, तो यही सब इनके चरणों में यही हमारी प्रार्थना है कि देशवासी सभी मंगल मंगल रहे, हमारे ब्रज के ऊपर आप सदा इस तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें, भारत हमारा देश खुशहाल रहे, और यही आपके चरणों में विनती है। आपका सुनीता कैसा लगा, कहाँ से आए हो? ग्वालियर से, एमपी से। क्या क्या करने आए हो यहाँ? होली खेलने आए राधा रानी के साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। पहले भी आई हो कभी? नहीं, मैं पहली बार आई। पहली बार आई? हाँ।